हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, आप सब कैसे हो? मैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। गाइस, आज का वीडियो में मैं बताने वाला हूँ पटना की ग्रेजुएट चाय वाली के बारे में। सो गाइस, सिस्टर बहुत वायरल हो रहा है। और गाइस, मैं बता दूँ कि ये ग्रेजुएट चाय वाली कहाँ का है, यानी कि गाइस ये ग्रेजुएट चाय वाली पटना का है और इसका वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है। और मैं बता दूँ कि ये चाय ही क्यों बेचता है। सो गाइस, सिस्टर का कहना है, ग्रेजुएट चाय वाली सिस्टर का कहना है कि मैंने ग्रेजुएशन फाइनल किया है और बिहार में जॉब का उतना ये नहीं है, मायने नहीं रखता है। सरकार ने यानी कि जॉब नहीं देता है विद्यार्थी सब पढ़ के। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि ग्रेजुएशन फाइनल है, फिर भी बीए किसी का फाइनल यानी ग्रेजुएशन फाइनल, तो उसका जॉब नहीं लग रहा है। तो सिस्टर ने अपना एक पर्सनली चाय का दुकान खोला। और गाइस, मैं बता दूं कि उसका चाय काफ़ी लोग पसंद करते हैं और कई छोटे से यूट्यूबर से बड़े यूट्यूबर तक उनका इंटरव्यू लिया है। और गाइस, मैं बता दूं कि पटना की चाय वाले दीदी से यानी कि बहुत सारे यूट्यूबर इंटरव्यू लिया है। सो गाइस, मैं बता दूं कि ग्रेजुएट चाय वाली सिस्टर को पीएम मोदी ने अवार्ड दिया है। और अवार्ड क्या दिया है कि एक यानी कि सरस्वती माता का फ़ोटो दिया है और उन्हें मदर टेरेसा का फ़ोटो दिया है। और पटना की चाय वाली सिस्टर इस बात से बहुत खुश हुई। और गाइस, मैं बता दूं कि गाइस मैं भी पटना के ग्रेजुएशन चाय वाली सिस्टर से मिलने ज़रूर जाऊँगा अगर मेरे पास टाइम हो तो। सो गाइस, मैं बता दूं कि पटना की ग्रेजुएशन चाय वाली सिस्टर से मैं ज़रूर आप सबको मिलाऊंगे। और गाइस, मैं इसीलिए अभी नहीं मिला सकता हूँ क्योंकि गाइस अभी मैं काम करता हूँ। और गाइस, आप सबको भी पता है कि मेरे पास मजबूरी है, इसीलिए मैं अभी काम करता हूँ गाइस। सो गाइस, फिर भी मैं टाइम निकाल कर सिस्टर से ज़रूर मिलाऊँगा। और अगला वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि बहुत ही जल्द सिस्टर का वीडियो आने ही वाला है पटना की चाय वाली सिस्टर का। सो गाइस, मैं बता दूँ आप सबको कि गाइस कोई भी जो है अगर यानी कि महिला होते हुए भी सिस्टर ने ऐसा काम किया है कि छोटे से यूट्यूबर से लेकर बड़े यूट्यूबर तक उनका इंटरव्यू लिया है। और सिस्टर का कहना है कि मेरा ग्रेजुएशन फाइनल है लेकिन मेरा जॉब नहीं लग रहा था तो मैंने कॉलेज के किनारे में ही अपनी चाय की पर्सनली दुकान खोला हूँ। और गाइस, मैं बता दूँ कि उसका चाय यानी कि पीने के लिए बहुत सारे यानी कि दोस्तों आते हैं उसका चाय पीने के लिए और कई सारे छोटे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक उसका चाय पीते हैं गाइस। और गाइस, मैं बता दूं कि अगर आप भी अगर आपका भी ग्रेजुएशन फाइनल है या 12वीं फाइनल है, सो गाइस आप भी अपना पर्सनली यानी कि कुछ तो करना ही। गाइस, मैं आप सबको बता दूं कि अगर आप भी 12वीं फाइनल है आपका, तो गाइस आपको भी अभी लग रहा होगा कि नहीं मेरे को भी कुछ काम करना होगा तभी तो यानी कि परिवार चलेगा। इसीलिए गाइस मैं भी अपना यानी कि मजबूरी के कारण मैं गांव से शहर आया हूँ। सो गाइस, चलिए आज का वीडियो में इतना ही। मैं ग्रेजुएशन चाय वाली सिस्टर से जरूर आप सबको मिलाऊंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नया ग्रेजुएशन चाय वाली सिस्टर का नया ब्लॉग जल्द ही आएगा इस चैनल पे। सो गाइस, चलिए आज का वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।